बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए आया हूँ एक नई रेसिपी लेकर। ठीक है, ये है कैचअप की रेसिपी। आप सबको मालूम है कि आजकल जो टमाटर हैं काफ़ी जो है सस्ते हुए हैं, और आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में जो है ना कैचअप की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो लिहाजा आज हम जो है ना कैचअप बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में बना रहा हूँ मैं, ताकि सब लोग बना सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इनको जो है ना काट के दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है, और जो है ना फिर इनको जो है ना हम कढ़ाई में डालकर थोड़ी देर पकाएंगे। ये ने जी, हमने जो है ना टमाटरों को इस तरह से ना दरमियान से आधा आधा करके काट लिया है। ठीक है, अब हम इसमें शामिल करेंगे सिरका, ये तकरीबन कुछ 4 से 5 टेबल स्पून। ठीक है, तो टमाटर जो तकरीबन 1 किलो के करीब थे, और इसको हमने जो है ना कढ़ाई में डाल ली है, और नीचे जो है ना आग जला दी है, और ये सिरका डाल के हम इसको ढक कर जो है ना तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट जो है ना पकाएंगे। जी दोस्तों, तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको जो है ना खोल कर देखते हैं। ये देखें, टमाटरों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, और टमाटर भी हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इस जो है ना इस चीज़ से इनके जो है छिलके जो है ना वो रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ये छिलके सारे रिमूव कर लूँ, फिर आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ आपको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो है ना इसमें से सारे छिलके रिमूव कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इनको जो है ना थोड़ा सा पीस लेंगे। ठीक है, किसी चीज़ की मदद से। ठीक है, इसमें जो सिरका डाला है उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ कि सिरका डालने की वजह यह है कि इससे जो है ना इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है ना, ख़राब नहीं होती जल्दी ये। ठीक है, तो इनको अब जो है ना पानी खुशक होने तक खूब जो है ना हमने पकाना है। ठीक है, पानी खुशक हो जाए फिर मैं वापस आता हूँ और आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ मैं आपको कि आगे क्या करना है। यानी हमारे टमाटर जो है ना इस कंडीशन में आ गए हैं। मैंने इससे जो है ना ये किया है, आप जिस मर्जी चीज़ से कर लें, मकसद इनको जो है ना थोड़ा सा बारीक करना है, पीसना है इनको। ठीक है, तो इस टाइम पे आके अब हम जो है ना इसमें शामिल करेंगे कोई 3-4 लौंग और थोड़ी सी जो है ना दालचीनी। ठीक है, और इसके साथ ही जो है ना हम ऐड करेंगे तकरीबन कुछ 4 से 5 चम्मच जो है ना खाने के चीनी। ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक भी, और आप चाहें तो ये हम बना रहे हैं मीठे वाली। ठीक है, आप चाहें गार्लिक बना लें, इसमें आप कुछ 4-5 जो है ना लहसुन डाल लें और थोड़ा सा प्याज डाल लें। ठीक है, थोड़ी सी आप इसमें मिर्च शामिल कर सकते हैं, कुटी हुई मिर्च शामिल कर लें। ठीक है, तो वो आपकी जो है ना चिली गार्लिक सॉस बन जाएगी। ठीक है, ये नमक हमने शामिल कर दिया, ये तकरीबन जो है ना आधा टीस्पून शामिल किया। ठीक है, तो आप जिस तरह की चाय बना सकते हैं, बाकी मेथड ये है, तरीकाकार ये, बाकी सारी चीज़ें ये, सिर्फ आपने उन चीज़ों को इजाफा करना है और आपने उन चीज़ों को स्टार्ट में डाल देना है ताकि वो भी इनके साथ ही गल जाए। चीनी वगैरह डालने के बाद पकते हुए तकरीबन कुछ 5-6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको जो है ना आग को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, ताकि ठंडा हो जाए और फिर हमने इसको जो है ना ग्राइंड करना है। अच्छा, आग मैंने इसकी जो है ना बंद कर दी है, तो इसको ठंडा करने का मकसद ये है कि जो है ना जो ग्राइंडर वगैरह का जग होता है वो होता है शीशे का, ज़्यादा गर्म होगा तो जब ग्राइंड करेंगे तो शीशा टूट सकता है, इसलिए जो है ना इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है ना ग्राइंड करेंगे। ये हमने जो है ना इसको कैचअप को ठंडा करके जो है ना जग में डाली है, और अब हम इसको जो है ना ग्राइंड करेंगे। हमने जो है ना इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, कढ़ाई भी हमने साफ़ कर ली थी, और हम अब इसको दोबारा जो है ना आग पे रखेंगे और इसको जो है ना गाढ़ा होने तक, कवाम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तकरीबन अब इसको लगेंगे कोई 7 से 8 मिनट, लेकिन अब आपने इसको जो है ना हिलाते रहना है। ठीक है, इसको जो है ना अगर आप हिलाएंगी नहीं
तो ये नीचे लग जाएगा। ठीक है, इसको आपने हिलाते रहना है अब, और गाढ़ा होने तक जो है ना पका लेना है। अच्छा एक बात और, इस टाइम पे चाहें तो आप इसमें फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें कर लें आप चाहें ना करें, मैं थोड़ा सा शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे इसका जो कलर है ना थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर का जो है ना फूड कलर यूज़ किया, ये जो चावलों वगैरह में इस्तेमाल होता है, जर्दा वगैरह में, ये जो संजन बनाते हैं ना उसमें जो इस्तेमाल होता है फूड कलर, वो वाला इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है डालें नहीं डालना, ना डालें कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी प्यारी कैचम हमारी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इस ये देखें बिल्कुल, आप इसे अगर करते हैं तो बिल्कुल ये ज़बरदस्त गाढ़ापन इसका जो है ना ये देखें हो गया। ठीक है, इस तरह की आपने ठीक इसको कर लेना, इस तरह गाढ़ा कर लेना आपने, ये देखें बुलबुल भी नहीं कर रही हैं बुलबुलियाँ। ठीक है, इस तरह आपने इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आप हम इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसको जो है ना आप किसी भी जार में या किसी जो कैचअ वाली बोतल होती है उसमें जो है ना आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की बोतल जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई शीशे का जार है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का आपको पसंद है आप यूज़ करके इसको तकरीबन एक मंथ के लिए आप जो है ना फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है ना बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो खुश रहें, खुश रखें, और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा हम तुम पंजाबी दस दवा असी जड़ा ना कैचअप बनाया है अज, ये टमाटर सस्ते हैं अजकल, तो अगर रमज़ान भी आ रहा जरूरत होंगी है, तो ये टमाटर लैके कैचअप का जरा ना तरीकाकार दस दिता है। पहले उन्होंने कट के तुम उन्होंने थोड़ी देर उबालना है, उस तो बाद जरा ना उन्होंने छिलके उतार लेने ने। ठीक है, तो बाकी जो मसाला दसे ने लौंग दार चीनी और चीनी वगैरह नमक पा के गाढ़ा होने तक पकाना है, उस तो बाद फिर इन ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके फिर इन पकाना है। ठीक है, तो थोड़ा कैचअप तैयार हो जाएगा, तुम इन जार या किसी बोतल च पा के रख सकते हो, एक महीने तक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो तुम अगर रेसिपी साड़ी पसंद आई है तो वीडियो लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, तो चैनल सब्सक्राइब करो, तो दुआवां भी याद रखो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, उस तक वास्ते सानू इजाजत दियो। अल्लाह हाफिज़।